जी जैसे अभी कोई लोग कोई चीज खरीदते हैं उसमें बोलते हैं कि पैसा जैसे बचा, वो बोले कि पैसा बाद में देंगे, और कितने लोगों को पैसा देते ही नहीं है, तो ये क्या जायज है कि ना जायज है? देखिए किसी ने कहा कि इसके कर्ज वर्ज तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये जो बचा पैसा इसमें तो कर्ज कोई बोलता ही नहीं है। आप कैश टू कैश की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात। ये प्रोडक्ट किसी ने क्रेडिट पे लिया, कहा कि मैं एक महीने में पेमेंट दूंगा, एक महीने बाद पेमेंट लेने जा रहे हो तो मिला नहीं, बोले बाद में लो, अभी बोले चप्पल घिस घिस के थक गए, आखिर में बोलता है पेमेंट नहीं आने वाला है, छोड़ो ये लेके गए, अब इसके लिए पैसे नहीं आने वाले हैं। तो ये क्या है? जिसने पैसे नहीं दिया उसने तो यकीनन गलत किया, वो कयामत के दिन अपने पैसे भरेगा, क्योंकि ये चीज़ है कि दुनिया में जो पैसे नहीं देता है वो पैसे आखिरत में कयामत के दिन नेकियों में से देना पड़ेगा, रुपीज़ तो होंगे नहीं, डॉलर होंगे नहीं, रुपीज़ में नेकियों में से देना पड़ेगा। लेकिन दुनिया के अंदर क्या ये कुछ डिले पेमेंट करना जायज़ है? पेमेंट डिले करना, एक महीने बाद दूंगा, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, और एक महीने का डेढ़ महीने कर देना कोई हर्ज नहीं है, और अगर कोई नहीं देता है तो वो चीज़ उसके लिए बोझ है, बेचने वाले के ऊपर कोई बोझ नहीं है, बेचने वाले पे क्या दोष है उसने पेमेंट नहीं दिया तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी पूरा डिस्कशन हुआ उसमें एक बात आप क्लियरली याद रखिए, समन और मुसमन। समन जो प्राइस वाली चीज़ है, जैसे सोना चांदी रुपये डॉलर, इसके अंदर कायदा होगा हैंड टू हैंड वाला, इक्वल फॉर इक्वल का, लेकिन बाकी जो मुसमन है उसके अंदर पूरी गुंजाइशें हैं, उसमें काम कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है।